इसके अंदर बहुत ज़्यादा लॉसेस और बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, इस वजह से ये मार्केट में उतनी पोजीशन ये नहीं अवेल कर सकी। बहरहाल जो इस समय मटेरियल साइंस की एडवांसमेंट्स हुई हैं और मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट्स हुई हैं, इस वजह से ये मशीन अभी बहुत ज़्यादा मार्केट में आ रही है। सो इफ़ यू आस्क मी देन व्हाट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट रिसर्च फील्ड इन मॉडर्न डेज, देन इट वुड बी एक्सेल फ्लक्स मशीन बिकॉज इट हैज़ वेरी हाई टॉर्क डेंसिटी, और तो इसकी साइज़ बहुत छोटी है और इसकी टॉर्क डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। इफ़ फ्यू एप्लीकेशंस आर विंड पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड सो ऑन, जहाँ जहाँ पे भी स्पेस की लिमिटेशन है और हमें बहुत ज़्यादा टॉर्क चाहिए तो वहाँ पे एक्सेल फ्लक्स मशीन हम यूज़ करते हैं। सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट, जो आज की टॉपिक होगी उसके अंदर हम थोड़ा सा एक्सेल फ्लक्स मशीन के बारे में मालूम करेंगे और इसकी मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में ही ये प्रेजेंटेशन है। लेकिन क्योंकि मुझे ये अभी आइडिया हुआ है कि ऑलमोस्ट सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बी इलेक्ट्रिकल के हैं, इसीलिए आई फील के बहुत ज़्यादा चीज़ों को बारे में आपको मे भी मालूम ना हो, इसलिए इन एडवांस आई एम रियली सॉरी। सो ये हमारी टॉपिक के कंटेंट्स हैं। दिस साइड एंड राइट साइड यू आर सीइंग दिस इज द वन स्टेटर एंड सेकंड वन इज दिस स्टेटर, इन बिटवीन वी हैव वन रोटर। सो इट इज वन टोपोलॉजी व्हिच आई एम इन्वेस्टिगेटिंग, अदर स्ट्रक्चर कुड बी वेरी डिफरेंट, हैविंग वन स्टेटर वन रोटर और टू स्टेटर सिंगल रोटर और टू रोटर सिंगल स्टेटर एंड अगेन सो मैनी स्टेटर्स एंड माइनस वन रोटर। सो यू कैन सी दैट दिस स्ट्रक्चर कुड बी इजीली अरेंज्ड एंड वी कैन हैव वन रोटर फ्रॉम दिस साइड एंड देन स्टेटर, सो दिस इज इजियर टू स्टेक ओवर ईच अदर। बट द प्रॉब्लम विद दिस टाइप ऑफ मशीन इज दैट वी हैव टू यूज आइदर स्पायरल लेमिनेशन और टेप वाउंड लेमिनेशन व्हिच इज एट द लेफ्ट साइड ऑन द डाउन कॉर्नर। व्हाई? बिकॉज इन ऑल मशीन्स, हम सारी जो भी मोटर्स हैं और जनरेटर्स उसके अंदर हम लेमिनेशन यूज करते हैं बिकॉज वी हैव टू रिड्यूस द लॉसेस, स्पेशली एडी करंट लॉसेस, इसीलिए हम लेमिनेशन यूज करते हैं ताकि जो आयरन है उसकी एरिया जो है वो रिड्यूस हो सके और लॉसेस ज़्यादा ना हो। नॉर्मली मशीन के अंदर जो है वो हम यूज़ करते हैं स्टेक टाइप लेमिनेशन, वो बहुत ही इजी है टू मैन्युफैक्चर। इसी स्टेकिंग की वजह से हम एक्सेल फ्लक्स मशीन को ज़्यादातर यूज़ नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये स्टेक लेमिनेशन इसके अंदर कोई बेनिफिशियल नहीं है और हमें स्पायरल और टेप वाउंड रोटर जो लेमिनेशन है वो यूज़ हम करते हैं। जैसे हम जो बॉल टेप है इसी तरह से हम इलेक्ट्रिकल स्टील को ऐसे ही वाउंड करेंगे करेंगे, उसके बाद हमें क्या कहते हैं कि स्लॉट्स बनानी होती हैं। जो सेकंड अल्टरनेट है वो हमारे पास एसएमसी मटेरियल है, क्योंकि वो पहले ही उसके अंदर आयरन लॉसेस बहुत रिड्यूस हैं, लेकिन हम इस तरह के हाई टॉर्क डेंसिटी मटेरियल में हम यूज़ अभी तक नहीं कर पा रहे, क्योंकि उसकी जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो जब परमिएबिलिटी कम होगी तो अगेन लॉसेस ज़्यादा हो जाएंगे, लीकेजेस ज़्यादा हो जाएंगे और उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। सो इफ़ आई हैव टू सम अप, इफ़ वी आर यूजिंग द हाई टॉर्क डेंसिटी और हायर मैग्नेटिक फ्लक्स मटीरियल देन इट वुड बी बेनिफिशियल, इफ नॉट देन नो। सो एसएमसी मटीरियल इस ये जो टोपोलॉजी है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मैग्नेट और फ्लक्स फोकसिंग फ्लक्स कंसंट्रेशन है, इसके अंदर एसएमसी का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा हमें, इसीलिए हमें इलेक्ट्रिक स्टील ही यूज करने हैं। नेक्स्ट प्लीज। सो ये फिजिकल एक टेस्ट सेटअप है,
हम इसे कहते हैं टोराइड टेस्ट सेटअप। ये समहाउ आपके पास एक ट्रांसफार्मर ही है जिसके अंदर प्राइमरी साइड है और सेकेंडरी साइड। हम जो लेमिनेशन है इसको ट्रांसफार्मर की तरह, जिस तरह ये एक सर्कुलर शेप है ताकि फ्लक्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो हर जगह पे, और प्राइमरी पावर और सेकेंडरी पावर के दरमियान जो डिफरेंस होगा हम कहेंगे कि ये इतने लॉसेस हुए हैं। अगर इसके अंदर डिटेल बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक ओवरव्यू यानी प्राइमरी पावर और सेकेंडरी पावर के दरमियान अगर कोई डिफरेंस होता है तो वो हमारे लॉसेस होंगे और हम इसी तरह से ही कैलकुलेट करेंगे। लेकिन ये फिजिकल एक टेस्ट सेटअप है। इसके बाद हमने इसको कंट्रोल और इजी टू इंटरेक्ट करने के लिए और सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए मेटलैब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस किया हुआ है, जहाँ से ये और ये वाया लैन ये सारे कनेक्टेड हैं। हम फ्रीक्वेंसी पावर ये सारी ताकि एडजस्ट इजी टू कर सकें, और जो भी डेटा हमें मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ वेव फॉर्म्स और सारी चीज़ें हम वो स्टोर करें। और इस सेटअप के लिए फॉर्म फैक्टर हम कंट्रोल करते हैं ताकि ज़्यादा डिस्टॉर्शन ना हो, वरना जो हार्मोनिक की वजह से पावर लॉसेज हैं वो हम मे बी मिसजज कर पाएँ। तो ये यानी प्राइमरी साइड पे भी साइनोसाइडल, अल्मोस्ट साइनोसाइडल, और सेकेंडरी साइड पे भी अल्मोस्ट साइनोसाइडल आपकी करंट वोल्टेज और फ्लक्स वेव फॉर्म होंगी। नेक्स्ट प्लीज। सो आई एम सॉरी आई सो दिस इज वन सो नॉर्मली जो स्टेक्ड, जिस तरह हमने कहा कि जिस तरह आपकी कन्वेंशनल मशीन है, जैसे आपकी इंडक्शन मोटर, जनरेटर, सिंक्रोनियस मोटर, रेडियल फ्लो, ये सारी की सारी मशीन्स जो हैं इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स फ्लो हम इन्हें कहते हैं रेडियल फ्लक्स मशीन्स। सो उनके अंदर हम स्टेक लेमिनेशन करेंगे जो ब्लू वेव फॉर्म है, और जो एक्सियल फ्लक्स मशीन है इसके अंदर हम करते हैं स्पायरल और टेप वाउंड लेमिनेशन जो रेड फॉर्म है। अभी आप देख रहे हैं कि इसके अंदर एनटी जो है वो नॉन हीट ट्रीटेड है, जो नॉर्मली हमारे पास स्टेक, यानी हमने इसको ना हीट ट्रीटमेंट किया हुआ है ना ही इसको ग्ल्यू किया हुआ है। आप जानते हैं कि हम इसको टेप वाउंड कर रहे हैं कि अगर ये ग्ल्यू नहीं होंगे तो ये एक स्पायरल ये जो अगेन वो अपनी जगह छोड़ देगा। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि जो स्टेक लेमिनेशन है इनके लॉसेस जो हैं वो रिलेटिवली टेप वाउंड लेमिनेशन से कम है। आप इन दोनों वेव फॉर्म आयरन लॉसेस के अंदर देख रहे हैं, और इसी वजह से इसका जो हिस्टेरेसिस कर्व है वो स्टेक का समाव एक स्ट्रक्चर में, और इसका बहुत इलॉन्गेटेड है और इसकी विड्थ भी कम और स्पेस भी ज़्यादा है। इसलिए जो यहाँ पे स्पेस है ये सारे के सारे लॉसेज हैं। हमारा एम ये है कि मिनिमम हिस्टेरेसिस कर्व हो ताकि जो लॉसेज हों वो कम हो, और अगर सिंपल स्ट्रक्चर में लाएं तो ये हमारे लॉसेज होंगे। जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बढ़ रही है तो ये लॉसेज बढ़ रहे हैं, क्योंकि एडी करंट लॉसेज या आपके जो भी कोर लॉसेज हैं वो सब के सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स डेंसिटी हैं, या 1.5 पावर टू फ्लक्स डेंसिटी या 2 टू पावर फ्लक्स डेंसिटी। सो सर फ्लक्स काइंडली डेंसिटी कंक्लूड। जितनी, यस प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। एनीवेज हमने इसको हीट ट्रीटेड किया हुआ है, ये पहली नॉन हीट ट्रीटेड, सेकंड हीट ट्रीटेड एंड ग्लू एंड हीट ट्रीटेड। तो हम यहाँ पे जो साइज़ है यहाँ पे अपेरेंटली हम देख रहे हैं कि जो नॉन ट्रीटेड है उसकी जो लॉसेज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं कंपेयर टू हीट ट्रीटेड एंड ग्लूड हीट ट्रीटेड। लेकिन जो आइडियल स्ट्रक्चर है उसके अंदर हीट ट्रीटेड के लॉसेज बहुत कम है, लेकिन मशीन उस आइडियल स्ट्रक्चर में नहीं आती, उसके डायमेंशंस बहुत ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगेन सिमिलर स्ट्रक्चर, लेकिन जो आइडियल स्ट्रक्चर है फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो एसएमसी के लॉसेस कंसीडरिंग द प्रोटोटाइप मशीन वो बहुत ज़्यादा है।
लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी तो एसएमसी के लॉसेस बहुत कम होंगे। अगर हम इसको समराइज़ करें तो जो हाई फ्रीक्वेंसी या वेरी लो स्पीड मशीन है उसके अंदर तो एसएमसी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी वो इन हंड्रेड्स है, जैसे 150 हर्ट्ज़ जो मेरी प्रोटोटाइप है उसके अंदर इसके लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फ्लक्स डेंसिटी जैसे बढ़ेगी तो हीट ट्रीटेड के लॉसेस बढ़ेंगे और वो हमारी जो स्ट्रक्चर है वो फ्लक्स फोकसिंग है, इसलिए हमने ग्लूड हीट ट्रीटेड को ही चूज़ किया हुआ है। प्लीज़ नेक्स्ट स्लाइड। ये स्टेटर की मेजरमेंट है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। अगेन नेक्स्ट स्लाइड। ये स्टेटर के ये समहाउ इसके कंक्लियंस हैं, तो अगर मुझे कंक्लियन करना पड़े तो पहले तो अगर हम हीट ट्रीट नहीं करते तो स्टेग लेमिनेशन उसके लॉसेस कम हैं कंपेयर टू स्पायरल लेमिनेशन के। क्यों? क्योंकि उसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेस होता है बहुत ज़्यादा, हमने उसको वाउंड किया हुआ है। अगर हम हीट ट्रीट करें वो स्टेग लेमिनेशन के अंदर कोई बेनिफिशियल है ही नहीं, क्योंकि वो एक एक क्या कहते हैं कि एक स्टेक है, तो जो टूथ वा सॉरी टेप माउंड लेमिनेशन उसके अंदर उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो उसकी स्ट्रेस कम करती है। और हीट ट्रीटेड और ग्लूड हीट ट्रीटेड दोनों के लॉसेस कंपेयर टू नॉन ट्रीटेड के बहुत कम है, और ये कंपेयर टू लेमिनेशन के बेस के लॉसेस बहुत कम है। अगर हम इनर तो आइडियली काम नहीं करती, तो हमें अपनी मशीन को देख के ही दोबारा मटेरियल एनालिसिस करना पड़ेगा, ना कि एसएमसी के लॉसेस ज्यादा हैं तो हम उसे यूज करें, वो हमें यूज में नहीं लाने, क्योंकि हम जिस तरह की मशीन होगी उस तरह की हमें स्ट्रक्चर लेनी होगी। अगर आउटर टू इनर रेडियस रेशियो बढ़ता जाएगा तो आयरन लॉसेस भी बढ़ेंगे। सेकंड, कोल लॉसेस जो हैं इलेक्ट्रिकल स्टील के जो हैं वो एसएमसी के कंपैरिजन में ज़्यादा तब होंगे जब फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी या स्पीड बहुत बहुत कम हो, लेकिन जो कन्वेंशनल फ्रीक्वेंसी है जैसे 50 हर्ट्ज़, 150, 200 और मे बी टिल 1000 हर्ट्ज़, वो एसएमसी का इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। और ये दूसरी, अगर हमारे पास स्लॉटेड स्ट्रक्चर है तो उसके अंदर लॉसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि उसके पैसिव पास बहुत ज़्यादा हैं। मेरी मशीन जो फ्लक्स फोकसिंग टाइप एक्सेल फ्लक्स मशीन है उसके अंदर हमने ग्लूड हीट ट्रीटेड टाइप टेप माउंड लेमिनेशन यूज़ किया हुआ है, इलेक्ट्रिकल स्टील इस वजह से ताकि लॉसेस रिड्यूस हो। हमारी मशीन के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लक्स डेंसिटी है और इसकी जो अल्लाह आपको नेकी दे फ्लक्स डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है सर कंपेयर टू काइंडली कन्वेंशनल मशीन, बहुत ज़्यादा। एनीवेज थैंक यू।